कांगड़ा जिला के शाहपुर के गांव मकडोटी के रहने वाले विजय मेहरा की कलाकृतियां वीवीआईपी के लिए खास बन गई हैं। शाहपुर के बेंकू कारीगर विजय के हाथ से बनी आदि हिमानी चमुंडा की बांस की बनी मूर्तियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विशेष स्मृति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में प्रदान की गई थी। ये कलाकृति राष्ट्रपति के आवास की शोभा बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी विजय के हाथों से तैयार किए हुए बांसों के मंदिर, भव्य इमारतें और ऐतिहासिक भवनों को कई मेहमानों को भेंट स्वरूप प्रदान किया जा चुका है। इससे पहले विजय मेहरा ने देवभूमि हिमाचल के प्रसिद्ध मंदिरों का हूबहू नमूना तैयार किया था, जिसे राज्य संग्रहालय में सजाया गया है। विजय 1997 से ही कांगड़ा के स्थानीय बांस से बड़ी बड़ी इमारतें और सजावटी सामान को जीवित कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मकडोटी के रहने वाले विजय कुमार ने 10वीं के बाद स्थानीय बांस को ही रोजी रोटी का सहारा बना लिया था। विजय ने राष्ट्रपति को प्रदान की गई आदि हिमानी चमुंडा की कृति को बांस से लगभग एक महीने की मेहनत से तैयार किया था। इसके अलावा उनके द्वारा बनाई गई शिकारी देवी मंदिर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को ब्रजेश्वरी मंदिर स्मृति के रूप में प्रदान की जा चुकी है। विजय मेहरा ने बताया कि हिमाचल में राष्ट्रपति के स्वागत को सरकार प्रशासन विशेष स्मृति चिन्ह देने पर विचार कर रही थी। इसके लिए राज्य संग्रहालय से भी संपर्क किया गया था, जिसके बाद उनका नाम सुझाया गया था। इस पर उपायुक्त कांगड़ा ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाकर बांस से बना श्री आदि हिमानी चमुंडा मंदिर देखा तो जो सबको पसंद आया। विजय मेहरा द्वारा तैयार की गई भव्य इमारतें और मंदिर जैसे आदि हिमानी चमुंडा, ब्रजेश्वरी, शिकारी देवी, भीमा काली, लक्ष्मी नारायण चंबा, एचपीसीए स्टेडियम, कनेडी हाउस, सुबाथू 14 सोलन भवन सहित कई इमारतें बांस से बना चुके हैं। गौरतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सरस मेले में लगभग 60 लाख के करीब कारोबार हुआ था। धर्मशाला में पहली बार सरस मेले का आयोजन किया गया था। समापन समारोह में सरस मेले में लगे 3 स्टॉल संचालकों को ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सम्मानित किया था, जिसमें कांगड़ा जिला के रेतखड़ के विजय मेहरा के उत्पादों को सर्वश्रेष्ठ डेकोरेशन के लिए पुरस्कृत किया गया था। विजय मेहरा आज तक बैंबू से मतलब कार्य कर रहा हूं और मेरे को इस काम में करते 20 साल हो गए हैं। तो आज तक मैंने इससे मतलब पता नहीं हजारों कलाकृतियां और हर बार कुछ नया बनाता हूं। हाल ही में जो अभी डांडा जी में हमारे राष्ट्रपति जी आए थे तो उनको भी मेरे हाथ की बनाई हुई मानी चमंडा जी का मंदिर पेंट किया गया और हमारे माननीय सीएम जी श्री जयराम ठाकुर जी को भी शिकारी देवी टेम्पल का मॉडल पेंट किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद काम करता हूँ तो मैं इतने प्रोडक्ट इकट्ठे नहीं बना पाता हूँ, मुझे जितनी डिमांड होती है। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगा कि हम जैसे कलाकारों को कहीं मतलब एज ए ट्रेनिंग सेंटर में कहीं भी इंस्ट्रक्टर के तौर पर या सिलेक्ट किए जाए, जिससे कि हम उनको ट्रेनिंग दे के हाथ बढ़ा सकें। जैसे जितने हाथ बढ़ेंगे उतना काम ज़्यादा होगा, तभी इन चीज़ों के दाम भी कुछ कम होंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे मतलब कि जब 10 हाथ काम करेंगे तो हम भी ज़्यादा मतलब शेयर कर पाएंगे। अभी यहाँ भी यहीं का देख लो कि 25 से ये स्टार्ट है और हमारा 4 को जो है वो छोटे प्रोडक्ट सारे सेल हो मतलब 4 सेल हो गए हैं। तो अगर हमारे पास बंक में बने होते तो इससे भी ज़्यादा सेल हो सकती थी और जो जिन्होंने वो काम किया तो उनको भी कुछ ना कुछ रोज़गार मिलता और उन्हें भी आमदनी होती, इस वजह से वो काम कर पाते हैं मतलब। और अपनी मतलब मैं जिस सोच से करता हूँ शायद उनके अंदर कोई और प्रतिभा हो, वो जब हम उनको ट्रेड करेंगे तो थोड़ा उभर के आएगी। बाकी मैं यही कहूँगा कि आज मेरे को 20 साल हो गए हैं, तो ऐसा ना हो कि जो कुछ लोग मेरे पास सीख रहे हैं, अभी 4 हैं मेरे पास, तो मुझे तो चलो आज तक 20 सालों में नहीं उठाया गया, पर अगर उन वो भी यही सोचते हैं कि अगर हमारे गुरु को ही नहीं उठाया गया तो हमें क्या मतलब लाभ मिलेगा। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं 2-3 काम करने के बाद जब वो खुद अपने घर लायक कुछ बनाने लायक हो जाते हैं तो वो इस दौर से दूर हो जाते हैं।
आपको लगता है कि इस जो आपकी कला है इसको प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है उस तक जिस पर मेहनत? जी जी, अब मैं मुझे हर जगह जहाँ भी मतलब शोर मिलता है या कोई पॉइंट मिलता है वहाँ पे यही बात की जाती है कि हम आपका सामान वहाँ पे लगवाते हैं, वहाँ पर लगवाते हैं, वहाँ बेचते हैं, मतलब कि वहाँ सेल बढ़ेगी। सेल तो मतलब कहीं भी बढ़ जाएगी, अगर मैं पटरी पे भी रख दूंगा तब भी बिकेगा, पर मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं बेचूंगा क्या। तो मैं मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले मेरे थ्रू कुछ लोग तैयार किए जाएँ जो ये सामान बना सकें और अपना रोज़गार भी पाएंगे वो, और उनकी भी आमदनी होगी और मुझे भी काम मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि नहीं मेरे सिखाए हुए का उनको भी कुछ बेनिफिट हो रहा है। आप अपनी कलाकृतियाँ कौन कौन सी ऐसी बड़ी जिनको आपको भेंट कर सकते अभी तक? मैं जैसे कि धर्मशाला स्टेडियम है, ये मैंने बनाया था 2008 में जब हमें फेस्टिवल लगा था, तो वहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे कहा था कि आप स्टेडियम बनाओ, अगर अच्छा बना तो हम आपको बल्क में ऑर्डर देंगे। मैंने उसको 2 महीने लगा के बनाया और उनके जहाँ स्टेडियम में जीएम बैठते हैं कर्मचंद जी, ऐसा कुछ उनका नाम है, तो उनके पास मैंने पहुँचाई। उन्होंने ये बताया कि जब भी अनुराग जी यहाँ पे आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे और मतलब इसका जो फाइनल हुआ वो बता देंगे। आज तो 2008 से लेके 10 साल गुजर चुके हैं, पर ना ही तो मुझे ये लगा बताया गया कि क्या बना था, कैसा बना था, और ना ही तो कोई ऑर्डर मिला है। तो आज भी जैसे मैं एग्जीबिशन करता हूँ तो लोग पूछते हैं कि सर आपने वो स्टेडियम बनाया था, भीमा काली बनाया था, कुछ बनाया था, तो उनका क्या हुआ? तो मतलब मुझे ज़्यादातर तो स्टेडियम बनाया था, स्टेडियम में उसका भी दुख होता है।